Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Bless you, Jesus. Lord, we bless your name. Lord, we praise you. Shalom. Shalom, Sunita ji. Hallelujah. Emmanuel Sandhu ji, shalom. Amarjeet Kaur ji, shalom. Hardeep Singh ji, shalom. Manisha Singhi ji, shalom. Christopher Plestow, shalom and welcome in the name of Yahusha HaMashiach, Jesus Christ, the King of Glory. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Lord, we bless your name. Bless your name. Hallelujah. Hallelujah. Shalom, Daisy V.S. and Ruby Sangira ji. The King of Glory bless you. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Danish ji. Hallelujah. Shalom, Jamasiki. Praise the name of the Lord. 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 Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Bless you. We bless you, Lord. Bless your name. Bless your name. Lord, we bless your name. Bless your name. We glorify you. Glorify you. Glorify you. Hallelujah. Hallelujah. We exalt you, Jesus. Exalt you. Exalt you. Exalt you. Exalt you. We magnify your name. Magnify your name. Magnify, magnify, magnify your name, Lord. Lord, we magnify. Hallelujah. We magnify you, Jesus. Magnify, magnify, Lord. Hallelujah. Thank you, thank you, thank you, Jesus. 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 Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. Thank you, thank you, thank you, thank you. Hallelujah. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Bless you, Lord. Bless you, Lord. Bless you, bless you, bless you, bless you, bless you. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, we bless you. This evening, Lord, we glorify you. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. हालेलुया प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम आपके नाम को ऊंचा करते हैं खुदावन आपके हजूर में आते हैं आपके पवित्र लहू के द्वारा प्रभु आपके राइचस ब्लड के लिए प्रभु आपके पवित्र ब्लड के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं हालेलुया प्रभु आपके नाम की महिमा करते हैं आपके नाम की महिमा करते हैं खुदावन हम पिंकी के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन पिंकी को आपके खून में छिपाते हैं
हरदीप खुदावंद उसको आपके लहू में छिपाते हैं, जिसका बेटा है खुदावंद, कि वो प्रभु को जाने। हरदीप प्रभु की शरण में आए खुदावंद, हम ये मिलके प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के जलाली नाम में। हालेलुया। खुदावंद जी, हम और भी प्रार्थना की विनतियाँ हैं, कुलमिंदर कौर के लिए ब्रिटेन से प्रार्थना करते हैं, जसवीर कौर के लिए ब्रिटेन से। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज की संध्या, हम प्रभु जी मिसेस मांगट को, उनके बेटे को आपके लहू में छिपाते हैं। खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं स्टीवन के बेटे के लिए, एरन के लिए, खुदावंद ब्रिटेन से सभी आपके लहू में छिपाते हैं। खुदावंद हम भाई बिल सिकमा के लिए यूएस से जो है प्रार्थना करते हैं, आपका खून उनके ऊपर छिड़कते हैं खुदावंद। खुदावंद अपने मित्र जैक टाइनर के लिए यूएस से प्रार्थना करता हूँ, आपके लहू में छिपाता हूँ। खुदावंद डिम्पी भाई जो कैलिफोर्निया में, उन्हें आपके लहू में छिपाते हैं। हालेलुया। यीशु नासरी हम मिस्टर विनोद एंड विनोद मिसिस विनोदनी के लिए जो कनाडा से आपके लहू में उन्हें छिपाते हैं, उनके जीवन के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद। हालेलुया। खुदावंद हम आपकी दासी सुनीता कौर के लिए प्रार्थना करते हैं इंग्लैंड से, उनकी सभी बेटियों के लिए, उनके परिवारों के लिए, खास करके एंजला ड्रोज के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। रूबी संघेरा को, उनकी बहन को याद करते हैं जो पंजाब में खुदावंद सिख हैं, के लहू के साए के नीचे लेकर आते हैं। खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के जलाली नाम में मीना के लिए, सुरेश के लिए खुदावंद, उन्हें आपके खून में छिपाते, उन्हें आशीषित करें, अपने लहू में छिपाएं खुदावंद। समीना अशरफ को आपके लहू में छिपाते हैं, आपके खून की बरकत उन पे खोलते हैं। देविंदर कुलर को खुदावंद उनके पति को खास करके आपके लहू में छिपाते हैं, आपकी बरकत खोलते उनके जीवन पे। खुदावंद पास्टर चरणजीत सिंह को आपके लहू में छिपाते, उनकी बीवी को आपके लहू में छिपाते हैं। खुदावंद इस कपल को आप ब्लेस करें, इनके मिरकल बेबी, इन्हें एक मिरकल बेबी चाहिए खुदावंद। लॉर्ड ब्लेस पास्टर चरणजीत सिंह विद अ मिरकल बेबी। लॉर्ड यू टर्न इनफर्टिलिटी इनटू फर्टिलिटी। लॉर्ड यू स्पीक टू द बैरन वूम एंड लॉर्ड बैरन वूम बिगिंस टू फ्लो विद लाइफ। लॉर्ड देयर देयर इज लाइफ इन योर नेम, सो आई स्पीक लाइफ ओवर चरणजीत सिंह एंड हिज वाइफ लॉर्ड, दैट योर स्पिरिट विल फ्लो। लॉर्ड आई bring before you Sandra Ramotar from Arizona. I pray, Lord, for her doctor, Robert. She wants us to pray for his salvation. So we pray, Lord, that Jesus will touch Robert and Jesus will move in the hearts of Robert. Hallelujah. We pray for Amarjeet Kaur and her daughter and Amarjeet Kaur's granddaughters. We cover them under the blood of the Lamb. Hallelujah. Hallelujah. Lord, I pray for Jaswant Singh and his wife. Cover them under your blood. Lord, I pray for Sister Geeta. Lord, would you kindly remember her, Lord? Would you mark her name before you, Lord? I pray before thee that you would move into her life. Khudavan, Geeta ke jeevan mein kaam kar. Pralad ko chhu, Khudavan. Iske jeevan mein tere farishton ko release kar, Khudavan, Yeshu Masih. Hallelujah. Khudavan, Kesari ke liye bhi hum prarthana karte hain. केसरी पे आपका खून छिड़कते हैं। लॉर्ड आई ब्लेस महीर जी, मे यू कवर महीर जी इन योर ब्लड। लॉर्ड मे यू ब्लेस हरजिंदर पाल एंड हिज फैमिली। हालेलुया। लॉर्ड आई प्रे फॉर योर डॉटर रीना खान। ग्रैंट दिस डॉटर ऑफ योर्स द डिजायर्स ऑफ हर हार्ट कंसर्निंग हर फैमिली, कंसर्निंग हर चिल्ड्रन। लॉर्ड आई प्रे फॉर रेनू सैमुएल दैट योर हैंड बी अपॉन हर। लॉर्ड हालेलुया। Thank you, Jesus. I pray for Danish. Danish, bless him, Lord. Stretch forth your hand over his life. Bless Pastor Satpal Singh and his family. Lord, bless Sunita Guria Kansawar and her daughter, son, and her husband. May your hand be upon them, Lord. Hallelujah. Bless Brother Lalit Mehra. Bless his wife. Bless his daughter. Bless his son. Lord, draw his family members at the foot of the cross. We pray for Brother Lalit's family, all of them. Lord, we pray for Mahesh Kumar in Delhi. Lord, we pray for Monica Sabarwal and her son Yash, Lord, and her daughter in the name of Jesus. Lord, we pray for Mrs. Sabarwal,
मल्होत्रा आई सपोज, लॉर्ड आई रिमेंबर हर बिफोर योर थ्रोन ऑफ ग्रेस, एंड लॉर्ड आई प्रे फॉर मिस्टर सिल्वराज, लॉर्ड आई प्रे फॉर बिश्ट फैमिली इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नेजरेथ, लॉर्ड आई प्रे फॉर तरलोक सिंह, हालेलुया, खुदावन तरलोक सिंह की आंखें खोल, हालेलुया, खुदावन तेरे लहू की कुदरत को खोलता हूँ, खून की कुदरत को, लॉर्ड आई प्रे फॉर अरुणा, वाई कैंट बी, इट्स प्रिविलेज टू प्रे सुनीता कौर जी, लॉर्ड वी रिमेंबर अरुणा बिफोर यू, लेट योर हैंड बी अपॉन अरुणा, टच अरुणाज लाइफ, होली एंजल्स ऑफ द लॉर्ड बी डिस्पैच्ड अराउंड अरुणा, मूव इन टू अरुणाज लाइफ, we speak blessing over Aruna. Lord, we pray for Mr. Gulati in Delhi. He's such a nice guy, Lord. But Lord, what niceness without you. All our righteousness and niceness is like filthy rags if we don't know you, Lord. Touch his wife. Touch this man and draw him to you, Lord. We shared your love with him explicitly. I pray for Darshan Singh. I pray for Nivedita and Siddharth and his wife. Cover them under your blood. Lord, heal Siddharth through your blood. I pray for Sabi Surjeet, Lord, for his father, for his mother, for his sibling, Lord. Bless his household, Khudavan. I pray for Krishan Kumar and his family, all his loved ones. I cover them under your blood. Jesus, apna haath bada teri logon ke upar. Khudavan, apna haath bada. Khudavan, apne lahu ke saaye ke niche rakh, Khudavan. Khoon ke saaye ke niche. लहू की कुदरत के नीचे, हालेलुया, तेरा धन्यवाद हो. लॉर्ड आई प्रे फॉर डायना क्रिस्टी फ्रॉम कैनेडा, ब्लेस हर फैमिली, ब्लेस हर हस्बैंड, ब्लेस देयर प्रेशियस सन, मे योर हैंड बी अपॉन देम लॉर्ड जीसस, आई कवर देम अंडर योर होली ब्लड, लॉर्ड कवर देम ऑल अंडर योर होली ब्लड, वी प्रे फॉर द नेशन ऑफ कैनेडा, फॉर योर स्पिरिट टू मूव इन कैनेडा लॉर्ड, हालेलुया. Lord, we pray for Malik family. Lord, they have accepted you from a radical Islamic family. And that even in Srinagar, in Kashmir. I pray for his whole household. They will know you, Lord. They will know you intimately. I pray for all of them. Cover them all under the blood. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus of Nazareth. Lord, I pray for Mr. Kakkar and his family in Delhi. They will come to know you. I pray for Lord Sethi family. Lord, I pray for Kashyap family in Delhi. That you will prepare their hearts for baptism, Lord, when I go to Delhi. Hallelujah. Lord, bless Meenu Sood. Bless her husband. I cover them under your blood. I pray for Dharminder and Dharminder's family. I speak your blessing over brother Dharminder and his household. I pray for Jasveer Singh Surinder and his family. Cover all of them under your blood, Jesus. Lord, bless Samina Ashraf. May your hand be upon this person, Lord, and her household in the mighty name of Jesus. Dhanyavad, tere khoon ki jai. खुदावन तेरे पवित्र खून की जय, पवित्र खून की जय, पवित्र खून की जय, पवित्र खून की जय. मैं तेरा खून छिड़कता हूँ खुदावन, जैसे महायाजक तेरे लोगों पे खून छिड़कता था, याजक लहू छिड़कता था, यीशु मसीह के नाम में मैं तेरा लहू छिड़कता हूँ. प्रभु, मैं कृष्णन आर्ट्स के लिए जिन्होंने आज ज्वाइन किया, प्रार्थना करता हूँ इनकी पत्नी से क्या खुदावन इस भाई के जीवन में काम करना. खुदावंद, तुझे जाने ताकि तू इसकी पत्नी को चंगा करे. खुदावंद, मैं तेरा खून इनके ऊपर छिड़कता हूँ यीशु मसीह. जसवंत सिंह को भी अपने हाथ में लीजिए, डेजी वीएस को अपने हाथ में लीजिए. प्रभु, मैं रवि और उसकी फैमिली को भी आपके लहू में छिपाता हूँ. हालेलुया, धन्यवाद हो. हालेलुया, ये मेरा जीवन बदल गया है,
यीशु तेरे आने से आया है उजाला मेरे मन के अंधेरे में, सवेरा लेकर। तो दावन रवि भगराल के लिए, आशा तूरा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरे खून में खुदावन इन दोनों को हम छिपाते हैं, तेरे लहू की कुदरत को इनके जीवन में खोलते हैं, तेरी सामर्थ काम करे खुदावन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रभु हम तेरी महिमा करते हैं, प्रभु हम तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया। दयालु परमेश्वर तेरा धन्यवाद, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। प्रभु हम चोपड़ाज के लिए प्रार्थना करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, तेरा हाथ हो चोपड़ाज पे। लॉर्ड यू आर यूजिंग देम टू ड्रॉ मैनी पीपल इन मेलबर्न फॉर योर किंगडम, यूज देम फॉर योर ग्लोरी। आई ब्लेस दैट कपल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। आई प्रे फॉर ऑल न्यू सोल्स दैट आर कमिंग टू द लॉर्ड, लॉर्ड दैट आर हियरिंग द वर्ड फ्रॉम योर सर्वेंट। मे यू स्पीक टू देम, मे यू ड्रॉ देम लॉर्ड एट द फुट ऑफ द क्रॉस इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। लॉर्ड आई प्रे फॉर ब्रदर डेनिस नंद फॉर द मिनिस्ट्री इन न्यूजीलैंड एंड इन फीजी एंड अदर आइलैंड्स। लॉर्ड मे योर स्पिरिट मूव इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद मैं मनीषा सिंघी को, उनके ख़ानदान को आपके लहू में छिपाता हूँ, आपके खून की कुदरत काम करे, लहू की कुदरत काम करे। हालेलुया, आपका नाम ऊंचा हो खुदावन, आपका जलाली नाम ऊंचा हो। हालेलुया खुदावन, हम राज और रणवीर को भी आपके सामने लाते हैं, आपका आत्मा काम करे खुदावन इनके जीवन में, आपका रूह काम करे खुदावन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम गुरप्रीत को खुदावन, दगन वाले भाई को तेरे लहू में छिपाते हैं। लॉर्ड आई स्पीक योर ब्लेसिंग ओवर हिम एंड ओवर हिज हाउस होल्ड। लॉर्ड आई प्रे फॉर तनुजा सेठ दैट यू ब्लेस हर, ब्लेस तनुजा सेठ, ब्लेस हर हस्बैंड, ब्लेस हर फैमिली, ब्लेस लॉर्ड ऑल दे डू, मे यू प्रॉस्पर देम। Pray for Akansha Kumari from Britain that you bless her, that your hand be upon her, that your hand be upon Angela Droach, Lord, that you bless her. Tera dhanyavaad ho, tere khoon ki jai ho. Khoon ki jai. I pray for Bahadur Singh Akash, Lord, that you bless Bahadur Singh Akash. Bless brother Raman Khan in Delhi. Bless his household, I pray. In the holy name of Jesus. Hallelujah. 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 Sujal ko khudavand aapke lahu mein chhipate hain. Geeta ke bete ko. आपके कीलचिदे हाथों में देते हैं उसके जीवन को, आपका आत्मा उसके जीवन में काम करे खुदावन, यीशु मसीह आपके जलाली नाम में। हालेलुया। लॉर्ड वी ऑल्सो प्रे फॉर यूनाइटेड किंगडम दैट लाइट विल पियर्स द डार्कनेस इन यूनाइटेड किंगडम। लॉर्ड दैट योर स्पिरिट विल मूव अमंग द इंडियन डायस्पोरा and even among the British, Lord, the Brits will come to know you by the, they will come to know your power, Lord. All the churches are empty, very cold inside, spiritually, seemingly chosen, frozen. Your spirit will move, Lord.
हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं आपको बहुत अद्भुत संदेश देने जा रहा हूँ। मैंने इसका एक पार्ट आपसे शेयर किया, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 2:13 में यहोवा परमेश्वर अपने नबी के द्वारा एक शिकायत करता है। यहोवा परमेश्वर कहता है, मेरी प्रजा ने मुझे त्यागा है, मैं तो जीवन के जल का झरना हूँ। आई एम द फाउंटेन ऑफ लिविंग वाटर बट माई पीपल फॉरसूक मी। प्रभु कहता है, मैं आई एम द सोर्स ऑफ लाइफ, आई एम द सोर्स ऑफ प्लेजर, आई एम द सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, आई एम द सोर्स ऑफ फुलफिलमेंट, आई एम द सोर्स ऑफ परफेक्शन, आई एम द सोर्स ऑफ हीलिंग, आई एम द सोर्स ऑफ हेवनली लाइट, आई एम द सोर्स ऑफ हेवनली जॉय, आई एम द वन दैट कैन फुलफिल देम। लेकिन मेरी प्रजा ने मुझे त्याग दिया। तो मैंने आपको बताया था कि फाउंटेन के लिए बाइबल में दो बड़े अद्भुत शब्द हैं। पहला शब्द है माखोर, विच इज हिब्रू लेक्सिकन में H6979 है, और यह बहुत प्रोफाउंड है। माखोर का मतलब जीवन का स्रोत, फाउंटेन का मतलब माखोर। और दूसरा शब्द बड़ा अद्भुत है फाउंटेन के लिए, वो हिब्रू वर्ड है आयन। आयन एक ऐसा शब्द है जिस सिंगल लेटर का मतलब होता है आंख। आयन का मतलब होता है आंख, आई। तो आंख, आयन इज इक्वल टू मखोर इज इक्वल टू फाउंटेन। हालेलुया। मखोर का मतलब क्या है? बहता जल, स्टैग्नेंट पानी नहीं, खड़ा हुआ पानी नहीं, बहता हुआ पानी, बहते जल की धारा। यहोवा परमेश्वर कहता, मैं बहते जल का चश्मा हूँ। आपको मालूम, आपके आंसुओं से यीशु मसीह के हजूर में बहती हुई आंसुओं की धारा कितनी कीमती है? इतनी कीमती है कि यीशु मसीह आपके आंसुओं को, एक टीयर बॉटल होती है, टीयर बॉटल रोमन सोल्जर्स के पास होती थी, टीयर बॉटल जिसमें अपने आंसू कलेक्ट करते थे वो। हेवन में टीयर बॉटल्स हैं जिनके अंदर आंसू कलेक्ट किए जाते हैं। जब आप रोते हो, आपके आंसू को एंजल्स कलेक्ट करते हैं और वो हेवन में प्रिजर्व किए जाते हैं। हालेलुया। किसी समय इस पे और हम गहरा कलाम करेंगे। हालेलुया। तो प्रभु कहता है, मैं बहते जल का चश्मा हूँ, मैं स्टैग्नेंट पानी नहीं हूँ। लेकिन मेरी प्रजा ने मुझे त्यागा, और मेरी प्रजा ने गलती क्या की है? उन्होंने हौद बना लिए हैं अपने लिए, दे हैव ह्यून देमसेल्फ सिस्टर्न। हौद समझते हैं, आप खुद अपनी एक संस्था बना लेते हो, खुद अपनी तालीम गढ़ लेते हो, खुद अपने नियम बना लेते हो और परमेश्वर को त्याग देते हो। फिर आप उन्हीं नियमों का, उन्हीं डिनोमिनेशन का, उन्हीं इंसानी कानूनों का पालन करते हो, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। प्रभु कहते हैं Mark 7:6 में, ये तो व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, ये होठों से मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं पर इनके दिल मेरे से दूर हैं। ये तो मनुष्यों की शिक्षा को सिखाते हैं और परमेश्वर के कलाम को रद्द करते हैं। ये अपने रब्बियों की, जो इनके रब्बियों ने इन्हें कलाम के ऊपर टीका करके दिया है, कॉमेंटरी दी है, उसे सिखाते हैं। ये मेरा कलाम नहीं सिखाते। उन्होंने जीवन के जल का झरना यहोवा का कलाम त्यागा है और यहोवा को धर्म में बदल दिया है, यहूदी धर्म में। किसमें बदला है? यहूदी धर्म में बदला है। ये चर्च का बहुत बड़ा पाप है, सो कॉल्ड झूठी कलीसिया का, जिसने यहोवा परमेश्वर को अपने जीवन से बाहर निकाला, जीवन की धारा को बाहर निकाल दिया है और अपने लिए खुद अपनी डिनोमिनेशने, अपने कायदे कानून बना लिए हैं। प्रभु क्या कहता है Psalm 36 में, उसके 8:9 में, दे शैल बी अबंडेंटली सेटिस्फाइड विद द फैटनेस ऑफ दाई हाउस एंड दाउ शैल्ट मेक देम ड्रिंक द रिवर ऑफ दाई प्लेजर। परमेश्वर के प्लेजर का एक रिवर है, परमेश्वर के आनंद का एक दरिया है जहाँ से परमेश्वर आपको पिलाएगा। फॉर विद दी इज़ अ फाउंटेन ऑफ लाइफ
एंड इन दाई लाइट वी शैल सी लाइट। साम 36 वर्स 8 एंड 9 में प्रभु कहता है एक दरिया है यहोवा के प्लेजर का। मैंने आपको बताया था यहाँ पे प्लेजर के लिए जो वर्ड है हिब्रू में वो वर्ड है ईडन। अदन का मतलब होता है सिटी ऑफ प्लेजर। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था अदन एक अद्भुत शब्द है। अलेफ एंड डैन, अलेफ परमेश्वर है। यदि परमेश्वर को ईडन में से हटा देंगे तो ये डैन रह जाएगा। डैन का मतलब होता है जजमेंट, न्याय। जब तक परमेश्वर आपके संग है आपका न्याय नहीं होगा। अदन की वाटिका में आप प्लेजर की, आनंद की, उत्सव की, खुशी के शहर में बसोगे और जीवन के जल के झरनों से पियोगे। लेकिन जब परमेश्वर आपके जीवन को छोड़ जाएगा आप जजमेंट के नीचे आ जाएंगे। डैन का मतलब होता है जजमेंट, बट ईडन का मतलब होता है प्लेजर। जब डैन के आगे एलफ लग जाता है, जैसे ग्रीक ग्रामर के अंदर अल्फा प्रिमिटिव लगता है तो वो नेगेटिव मीनिंग कर देता है, लेकिन हिब्रू के आगे जब ये एलफ लगता है तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। हालेलुया। यहोवा आपके आगे चाहिए, आपके लेफ्ट एंड राइट चाहिए, आपके अंदर चाहिए। आपको मालूम जीवन के जल के झरने को हिब्रू में कहते हैं खाई मायम। खाई, खायम, खाई, खायम का मतलब होता है लाइफ, और ये प्लूरल वर्ड है। लाइफ बाइबल में सिंगुलर नहीं है। खाई का मतलब होता है लाइव्स, मायम का मतलब पानी। और मैंने आपको बताया था जो ब्लड है इंसान के अंदर वो एरोबिक है। ब्लड के अंदर जीवन है। ब्लड को जो लाइफ देता है वो है ऑक्सीजन। जैसे बाइबल कहती है लाइफ ऑफ द फ्लैश इज इन द ब्लड। जो शरीर के अंदर जीवन है वो खून के अंदर है। तो यदि किसी व्यक्ति का गला दबा दिया जाए तो क्या उसकी मौत होगी या नहीं? अवश्य होगी। तो आप कहेंगे बाइबल तो कहती है खून के अंदर जीवन है, तो जिसका गला दबाया वो मर कैसे गया? देखिए, खून के अंदर जो जीवन है उस जीवन को ऑक्सीजन चाहिए। ब्लड एरोबिक है। जब तक खून को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी खून फ्लो नहीं करेगा। ब्लड का चलना ज़रूरी है आपकी बॉडी में, फ्लो करना। अगर ब्लड रुक गया तो डेथ हो जाएगी। फ्लो कर रहा है ब्लड लगातार आपकी बॉडी में। आपका हार्ट 70-80 टाइम्स पल्सेट कर रहा है, किडनीज में जा रहा है, फिर साफ होके आ रहा है हार्ट में। हार्ट पंप कर रहा है, ऑर्गन को भेज रहा है, लेकिन आपके लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन जा रही है अंदर। जितनी ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगी उतना लंबा जीवन आप जिएंगे, उतने स्वस्थ रहेंगे आप। आपका खून तब तक फ्लो नहीं करेगा जब तक खून को ऑक्सीजन नहीं मिलती। आपके सेल्स को, आपके डीएनए, आपके आरएनए को, आपकी नर्व्स को, हेड से लेकर टो तक ब्लड चाहिए। ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट है। जैसे आप जो खाना खाते हो वो खाना आपका हार्ट नहीं खाता, आपकी किडनियाँ नहीं खाती, आपका स्प्लीन नहीं खाता, आपका ब्रेन नहीं खाता। वो खाना लीवर में डाइसेक्ट होता है, प्रोटीन, प्लाज्मा, ब्लड सब कुछ बनता है। तो आपके ऑर्गन का खाना है ब्लड। ब्लड न्यूट्रिएंट लेके जाता है। तो ब्लड का फ्लो करना ज़रूरी है, मूव करना। खून एक चश्मे की तरह बहता है। परमेश्वर बहता पानी है, फ्लो करता, मूविंग, रैपिडली मूविंग पानी है। और परमेश्वर मूव करता है। हालेलुया। आपके जीवन में मूवमेंट चाहिए, अंदरूनी मूवमेंट, पवित्र आत्मा की मूवमेंट चाहिए। हालेलुया। आपको मालूम मैंने आपको बताया था आदम जो शब्द है वो तीन इब्रानी के शब्दों से बनता है। आलेफ दालेथ मैम। आलेफ खुदा है, आलेफ इज ऑक्स, आलेफ इज द हेड, आलेफ इज गॉड। आलेफ का हर जगह मतलब होता है यहोवा पिता। तो दालेथ और मैम से बनता है दामा, जिसका मतलब होता है ब्लड। दामा, तो दामा मतलब खून, उसके आगे लग गया यहोवा अर्थात रूहा का कुदुष, पवित्र आत्मा। तो रूह जो पवित्र आत्मा है उसने खून को जीवन दिया और आदम, एडम बिकेम अ लिविंग बीइंग। समझ रहे कलाम कितना खूबसूरत है कलाम। अलफ दालेथ मैम, दालेथ मैम दो शब्दों से बनता दामा। दामा का मतलब ब्लड। तो उसके आगे जब अल्फा, अलफ, अलफ लगता है, अलफ का मतलब खुदा,
तो वो एडम बन गया, मतलब जीविता प्राणी बन गया। यहोवा ने जब अपना श्वास फूका, ही बिकेम अ लिविंग सोल। हालेलुया। तो ब्लड के अंदर जीवन किसका है? यहोवा का। ये जो ऑक्सीजन है, ये पाक रूह की परछाई है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की परछाई है, परमेश्वर का श्वास। परमेश्वर ऐसे फूक मारता है और कहता है पाक रूह ले लो। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के ऊपर वो बताता है, मैं वही खुदा हूँ जिसने आदम जैसे मिट्टी के पुतले में, वो दामा था, ब्लड है केवल वो, यहोवा की फूंक के बगैर, और उसमें जीवन आ जाता है। आपको मालूम, परमेश्वर ने आदम से कहा, जिस दिन तू फल खाएगा सचमुच मर जाएगा, thou shalt surely die। प्रभु ने कहा तू मर जाएगा, मरेगा तू। और आपको मालूम मौत के लिए शब्द क्या है हिब्रू में? हिब्रू में मौत के लिए शब्द है दामूत। मेरे संग बोले दामूत, दामूत। मूत के आगे दाम मूत, दलित मेम एंताब, दामूत, दलित मेम। दलित मेम का मतलब क्या है? दामा, ब्लड। दामूत, समझ रहे हैं आप? मूत का मतलब होता है खामोश हो जाना, दाम का मतलब है खून। जब आपकी बॉडी में ब्लड साइलेंट हो जाता है, खून के अंदर रवानी रुक जाती है, ब्लड घूमता नहीं आपके शरीर में, क्योंकि आपके ब्लड को ऑक्सीजन नहीं मिलती, आपका दम, सांस रुक जाता है, तो आपका सांस नहीं जाता और आपके ब्लड को ऑक्सीजन नहीं मिलती, क्योंकि ब्लड एरोबिक है, तो इंसान की मौत हो जाती है। दामूत का मतलब यही है, व्हेन योर ब्लड बिकम साइलेंट। एज लॉन्ग एज योर ब्लड इज नॉट साइलेंट, यू आर अलाइव। दामूत का मतलब है, मौत का मतलब है हिब्रू में, व्हेन योर ब्लड बिकम साइलेंट। व्हेन योर ब्लड बिकम साइलेंट, योर ब्लड डाइज। व्हेन योर ब्लड डाइज, आपका खून कब मरता है? जब आपके खून को खुराक नहीं मिलती। आपके खून की खुराक है ऑक्सीजन, आपको सांस नहीं मिलती। सांस क्या है? निशामा खई, जो यहोवा ने आदम के नथनों में डाली। निशामा खई, खून के अंदर जो लाइफ है वो अटोनमेंट करती है हमारे पापों का प्राश्चित। लहू के अंदर जो जीवन है वो करता है। सांस हमारे खून को चलाती है, ऑक्सीजन, O2 जिसे हम बोलते हैं। ऐसे ही भाई और बहनों, आपके जीवन को चलाता है पाक रूह। जैसे आपकी वेन्स में, आर्टरीज में, कैपिलरीज में, आपकी बॉडी के सेल्स को नर्चर करने के लिए, बोन की डेंसिटी बनाने के लिए, आपके ऑर्गन को हेल्दी करने के लिए, आपके आरएनए डीएनए के सेल्स की रिपेयर करने के लिए आपकी बॉडी में ब्लड का फ्लो ज़रूरी है, ऐसे ही आपके स्पिरिट मैन को पवित्र आत्मा चाहिए। होली स्पिरिट की मूवमेंट ज़रूरी है। होली स्पिरिट आपके माइंड, आपकी सोल को नर्चर करता है। हालेलुया। हम पीते हैं जीवन के जल को, हम खाते हैं जीवन की रोटी को। हमारा पानी है जीवन का जल हमारे अंदरूनी मनुष्य के लिए, और हमारा भोजन है जीवन की रोटी, परमेश्वर का कलाम। ये दोनों आपको चाहिए। और आपकी सांस क्या है? रूहा का कुदुश, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा की सांस आपको चाहिए, जीवन की रोटी आपको चाहिए, और जीवन का जल चाहिए आपको जीवित रहने के लिए। क्या आपको ये तीनों चीज़ें मिल रही हैं? क्या आपको पवित्र आत्मा की हजूरी मिल रही है? क्या आपको जीवन की रोटी मिल रही है? क्या आप जीवन के जल के चश्मे का पानी पी रहे हो? जो बहता चश्मा है वो पानी चाहिए आपको? इंटरनेट के सरमन नहीं चाहिए जो पादरी निकालते हैं आपको? मुर्दा कलाम नहीं चाहिए आपको? थियोलॉजी नहीं चाहिए आपको? जीवन के जल के चश्मे जैसा बहता हुआ कलाम चाहिए, जिंदा कलाम। हालेलुया। लिविंग वाटर, रनिंग वाटर, दौड़ता हुआ पानी, कलकल बहता हुआ पानी चाहिए आपको। हालेलुया। बहुत सारे मसीह लोग प्रभु में आते हैं लेकिन मर जाते हैं। वो क्यों मर जाते हैं? वो पौधों की तरह होते हैं। जैसे एक पौधा लगाया गया, उस पौधे को पानी नहीं मिला, उसके ऊपर मर्सीलेस सूर्य की धूप पड़ी,
सूर्य सूर्य की धूप बहुत मर्सीलेस है, उसको मॉइस्चर नहीं मिला नीचे से। न्यूट्रिएंट जब पानी मिलेगा तो ज़मीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट है, खुराक है, उसे पौधा खींचेगा अपनी जड़ों के द्वारा। लेकिन जब उसको भाइयों और बहनों कड़कती धूप में पानी नहीं मिलेगा, पौधा ख़त्म हो जाएगा। मैंने बहुत से मसीहों को देखा जो प्रभु में आए लेकिन उन्हें जीवन के जल का झरना नहीं मिला, उन्हें जिंदा कलाम नहीं मिला, वो वापस लौट गए, कई मर गए, कई स्पिरिचुअली डेथ हो गई। कई प्रभु में आए लोग लेकिन शैतान उनके पीछे लगा रहा, जो कलाम आया उसे चुग गया। आकाश के पंछी आपको मालूम कौन है? बदरुए हैं। यीशु मसीह कहता है कुछ बीज किनारे पे गिरा और आकाश के पंछी चुग गए उस बीज को। जो ये पंछी हैं ये डीमंस हैं, बदरुए हैं। कई विश्वासियों का पीछा बदरुए छोड़ती नहीं है। और वो मर जाते हैं। कुछ झाड़ियों के अंदर गिरता, चिंताएं दबा लेती हैं उन्हें। तो ये लिविंग वाटर, रनिंग वाटर चाहिए। पढ़िए लेवी व्यवस्था उसका 14 अध्याय और उसका 6 वचन, यहाँ पे लिखा है। इसका लास्ट पूरा पढ़ देता हूँ। एज फॉर द लिविंग बर्ड एक्सक्यूज मी ही शैल टेक इट एंड द सेडर वुड एंड द स्कारलेट एंड हिसप एंड शैल डिप देम एंड लिविंग बर्ड इन द ब्लड ऑफ द बर्ड दैट वॉज किल्ड ओवर द रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी। ये कुर्बानी है, मैं इसके विषय में नहीं जाना चाहता आपको, लेकिन मैं बता रहा हूँ बहता हुआ पानी। कलाम में लिखा रनिंग वाटर, बहते जल का चश्मा चाहिए। हालेलुया। आपको वही मुर्दा कलाम नहीं चाहिए, जीवित कलाम चाहिए जो स्वर्ग से उतर रहा है डेली, वो कलाम चाहिए आपको जीवित रखने के लिए। हालेलुया। समझ रहे आप? हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। लिविंग वाटर, लिविंग एंड पल्सेटिंग ब्लड। ऑक्सीजन के बगैर मर जाएगा। आपको मालूम, मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि यदि आपके घर में स्विमिंग पूल है तो आपको स्विमिंग पूल को बहुत साफ रखना पड़ता है, क्योंकि स्विमिंग पूल एक सिस्टर्न है, उसके अंदर पानी बह नहीं रहा है, खड़ा पानी है, और अगर उसकी सफाई नहीं की जाएगी तो उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे और पानी बो मारने लगेगा, सड़ांद आ जाएगी पानी में, क्योंकि पानी बह नहीं रहा है। इसलिए लोग क्लोरीन डालते हैं, साफ करते हैं स्विमिंग पूल को। अगर कॉन्स्टेंटली क्लीन नहीं किया जाएगा, मेंटेन नहीं किया जाएगा, तो वो पानी डेड हो जाएगा। हालेलुया। आपको मालूम, प्रभु यहोवा एक वचन कहता है, प्रभु कहता है नीति वचन में, अपने ही चश्मों का पानी पीना, अपने सिस्टर्न का पानी पीना। तो वो परमेश्वर आपको मालूम कौन सी बात कर रहा है? एक पति के लिए कह रहा है, तेरी वाइफ तेरे लिए फाउंटेन है, सिस्टर्न है। यू डोंट गो टू अदर वेमेन टू फाइंड एनी काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन, लेट योर वाइफ सेटिस्फाई यू। तो वहाँ प्रभु कहता है सिस्टर्न का पानी पीना, लेकिन प्रभु कभी भी सिस्टर्न का पानी पीने के लिए नहीं कहता। प्रभु कहता है बहता हुआ पानी पीना है, जीवन का जल, जीवन के जल का झरना, यहोवा की प्लेजर की नदी में से, यहोवा के आनंद की नदी में से पानी पीना है। आपको मालूम, केवल यीशु मसीह सोर्स है बहते जल का, यीशु मसीह फाउंटेन है। यीशु मसीह यही बात सामरी औरत को कह रहा है, मैं हूँ जीवन के जल का चश्मा, रनिंग वाटर हूँ मैं, बहता पानी हूँ, मायम मैं बहता पानी हूँ, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। मैं आपको, बहते पानी में ऑक्सीजन है, रूह है, जैसे ऑक्सीजन रूह का सिंबल है। हालेलुया। तो मैं एक वचन देना चाहता हूँ आपको, ये कितनी गहरी बात है बहते पानी की। एक वचन पढ़िए, ये मैंने आपको पिछली बार ये पार्ट नहीं दिया था, मैं उस पार्ट में आपको लेके जाना चाहता हूँ। ड्यूटरॉनमी व्यवस्था विवरण, उसके 32nd चैप्टर में चलें। ड्यूटरॉनमी चैप्टर नंबर 32nd, 32 अध्याय, सुने अब। हालेलुया।
हालेलुया। व्यवस्था विवरण 32 का 2 वचन, व्यवस्था विवरण विच इज ड्यूट्रॉनमी कहते हैं, उसका 32 और उसका 2 वचन सुनिए। सिस्टर मोनिका सबरवाल ग्रोवर जी, हम ये प्रार्थना करेंगे अभी बाद में, पहले वचन सुन लीजिए। व्यवस्था विवरण, आप वचन पे ध्यान लगाएं, इस पे हम अभी प्रार्थना कर चुके हैं, अब वचन समाप्त होने के बाद हम फिर प्रार्थना करेंगे। सुनिए व्यवस्था विवरण, ड्यूट्रॉनमी 32:2, माई डॉक्ट्रिन शैल ड्रॉप एज द रेन, मेरा कलाम बारिश की तरह बहेगा। हालेलुया, बहेगा, मेरा कलाम रनिंग वाटर है, यहोवा कह रहा है। माई डॉक्ट्रिन, मेरी शिक्षा, मेरा कलाम शैल ड्रॉप लाइक रेन, माई स्नीच शैल डिस्टिल एज ड्यू, एंड द स्मॉल रेन अपॉन द टेंडर हर्ब एंड एज द शावर अपॉन द ग्रास, जैसे जड़ी बूटियों पे, पौधों पे और जैसे घास के ऊपर ओस गिरती है, बारिश की छोटी छोटी बूंदें गिरती हैं, ऐसे मेरा कलाम मीह की तरह, मेघों की तरह बरसेगा। हालेलुया, आपको मालूम यहाँ पे फ्लो करेगा कलाम, बरसेगा, इसके लिए आपको मालूम हिब्रू वर्ड क्या है, इसके लिए हिब्रू वर्ड है नजाल, नजाल, नजाल का मतलब रेन, बहना, मेरा कलाम दरिया की तरह बहेगा, मेरा कलाम बारिश की तरह आएगा। हालेलुया, मेरा कलाम मेघों की तरह बरसेगा, यहोवा परमेश्वर कहता है। परमेश्वर का कलाम फ्लो करता है, आपको पता लगेगा जब आप यहोवा का कलाम सुनेंगे कि ये सचमुच यहोवा का कलाम है या इंसान अपनी डॉक्ट्रिन प्रीच कर रहा है, या इंसान थियोलॉजी सिखा रहा है, या इंसान अपने विचार पेश कर रहा है, आपको पता लगेगा कि ये हेड नॉलेज है या सचमुच यहोवा का कलाम है। यहोवा का कलाम जब आएगा, मेघों की तरह बरसेगा भाई और बहनों, बारिश की तरह फ्लो करेगा, इस फ्लो को कहते हैं नजाल। और आपको मालूम बारिश को क्या कहते हैं, बारिश को कहते हैं मोरे, मोरे हिब्रू में, मोरे, द मोरे शैल कम लाइक नजाल। हालेलुया, हेड नॉलेज नहीं होगी, यहोवा के हृदय से निकला सच्चा प्रकाश होगा, आपके रोंगटे खड़े करेगा जब सच्चा कलाम आएगा, आपके दिल के अंदर आग लगेगी जब सच्चा कलाम आएगा, आपके जीवन को बदल देगा जब सच्चा कलाम आएगा। हालेलुया, सच्चा कलाम जीवन के जल का बहता झरना है, सच्चा कलाम बारिश की तरह आता है। कहाँ से आती है बारिश, ऊपर से, स्वर्ग से, जमीन से नहीं पैदा होती बारिश कभी भी, स्वर्ग से आती है। हालेलुया, हालेलुया, ये नरिशिंग वाटर हैं। हालेलुया, आपको मालूम ये जो कलाम आता है बारिश की तरह, यहोवा क्या कहता है, यशाया की पुस्तक में कहता है मेरा कलाम बारिश की तरह होगा जो ज़मीन पे गिरती है और ज़मीन को सींचती है और ज़मीन फल पैदा करती है, ऐसे मेरा कलाम होगा बारिश की तरह, ज़मीन को भिगोएगा, ज़मीन की कोख को खोलेगा, ज़मीन की कोख में बीज जाएगा और ज़मीन फल पैदा करेगी। आपके दिल की ज़मीन पे मोरे की तरह, नजाल की तरह कलाम आएगा। नजाल का मतलब बहना कल कल करके, मोरे का मतलब है बारिश, ये कलाम की बारिश होगी। आपको मालूम अमोस की किताब में क्या लिखा है, 8:11 में अमोस की किताब में लिखा है परमेश्वर के कलाम को सुनने का अकाल पड़ेगा। बहुत सारे लोग सुनेंगे नहीं क्योंकि वो अपने सेलिब्रिटी प्रीचरों की तलीम सुनेंगे, प्रॉस्पेरिटी टीचिंग, सच्चा कलाम नहीं सुनेंगे वो, कान लगाएंगे डिडास्कलिया डायमोनियन डॉक्ट्रिन ऑफ डीमंस की तरफ, वो ध्यान लगाएंगे, पर्सनैलिटी से कनेक्ट होंगे, सेलिब्रिटी पर्सनैलिटी से, कलाम से नहीं जुड़े होंगे लोग, और कलाम उनके अंदर होगा ZERO, वचन, परमेश्वर के कलाम की गहराइयां नहीं होंगी, केवल बाहरी दिखावे के लिए जाते हैं लोग, स्टेटस के लिए चर्च में जाते हैं कि उसमें 6,000 लोग आते हैं, उसमें 5,000 लोग आते हैं, बहुत ज़बरदस्त अंग्रेजी में पास्टर प्रीच करता है, वहाँ पे बहुत तगड़ी वर्शिप होती है, अंग्रेजी में बड़े बढ़िया गीत गाते हैं, इसलिए लोग जाते हैं वहाँ पे। कलाम हो या ना हो,
हजूरी हो या ना हो, लेकिन वहाँ पे बड़े महंगे इक्विपमेंट होते हैं, महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट होते हैं वर्शिप करने के, और बहुत बढ़िया स्टेज होती है, बहुत फैंसी महंगे कपड़ों में पासवान जी आते हैं, वहाँ का स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है। हम तो रिच लोग हैं, हम थोड़े सोफिस्टिकेटेड हैं, हमें वो स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। ये कल्चर है दुनिया में, सुन रहे हो आप, दिस इज़ द कल्चर। इट इज़ नॉट अबाउट हंगरिंग फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। कलाम के लिए भूख, कलाम के लिए प्यास वाली चीज नहीं है। प्रभु कहता बारिश की तरह बरसेगा मेरा कलाम, तो बारिश होती है, आप भीगते हो उस बारिश में, आपके हृदय की कोख सींचती है यहोवा के कलाम के बीज से, आपके जीवन में फल लग रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपका जीवन यीशु मसीह के स्वरूप में बदल रहा है, आप यीशु मसीह की डील डॉल में मसीह के कद तक बढ़ते जा रहे हो, आप आत्मिक दर्शनों से पवित्र आत्मा की हजूरी से भर रहे हो या अंदर से खाली हो, सूखे पड़े हो अंदर से, देखो अपने जीवन को। कलाम फ्लो करेगा, नजाल का मतलब 32:2 में लिखा है मेरा कलाम मेघों की तरह बरसेगा और फ्लो करेगा। कलाम को फ्लो करना है, कलाम में जीवन है, कलाम सिस्टर्न नहीं है, हौद नहीं है, एक जगह स्टैग्नेंट नहीं है कलाम, कलाम मूव कर रहा है भाई और बहनों। इट इज फ्लोइंग, इट इज डूइंग नजाल एंड इट इज कमिंग लाइक रेन मोरे, बारिश की तरह कलाम आ रहा है। हालेलुया। यहीं पे क्या आ रहा है इसका 32:2 माई डॉक्ट्रिन, माई डॉक्ट्रिन क्या है इसके लिए वर्ड, माई टोरा मेरा कलाम, टोरा लॉ, टोरा के लिए हिब्रू वर्ड है H3382, लेकिन यहां पे वर्ड कौन सा आया है डॉक्ट्रिन के लिए, टोरा नहीं है यहां पे, यहां पे वर्ड है यारा, YARAH, यारा, यारा का मतलब है फ्लो करना, तीनों वर्ड का मतलब है फ्लो करना, टोरा यारा फ्लो करना, नजाल फ्लो करना, और मोरे का मतलब बारिश की तरह बरसना। आपको मालूम हिब्रू में मोरे को क्या कहते हैं, हिब्रू में मोरे को रेन भी कहते हैं, हिब्रू में मोरे को H4175, वर्ड नंबर H4175, H4175 हिब्रू लेक्सिकन में देखें इसका मतलब होता है टीचर। मेरा टीचर क्या है, मेरा टीचर फाउंटेन है, मेरा टीचर रेन है, मेरा टीचर यारा है, मेरा टीचर मोरे है, और मेरा टीचर नजाल है। हालेलुया। देखिए कितनी गहरी टर्मिनोलॉजी, गहरे शब्द, वर्ड प्ले है यहाँ पे। हिब्रू में बहुत जबरदस्त वर्ड प्ले है, अगर आप अंदर घुसेंगे इस लैंग्वेज के, बारिश बरसेगी आपके ऊपर, आप क्या करेंगे, आपका टीचर मोरे रेन की तरह आएगा आपके ऊपर और नजाल की तरह आप बहेंगे, आपकी लाइफ स्टैग्नेंट नहीं होगी, आपके जीवन में फल होंगे, आपका चेहरा भाई और बहनों 9:00 की तरह नहीं होगा, आपके चेहरे पे खुदावंद का नूर होगा, आपकी ज़िंदगी का कोना 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 रोशन होगा खुदावंद के हजूर से, आप सर्वाइव करने वाला जीवन नहीं जियेंगे, यू विल थ्राइव इवन इन द मिड्स ऑफ द फैमिन अगेंस्ट एवरी कायोटिक सर्कमस्टेंसेज व्हेन odds are heavily stacked against your life, you will conquer and you will thrive and you will enjoy the life. Why? Because there is yara in your life, there is nazal in your life, there is more in your life, there is mayam khai in your life. Hallelujah. Aapke andar jeevan ke jal ka chashma beh raha hai, आपके अंदर मायम खाई जीवन के जल का पानी है, आपके अंदर नजाल हो रहा है, कलाम फ्लो कर रहा है, आपके अंदर मोरे है आपका सिखाने वाला, मोरे वो सिखाने वाला टीचर भी है और मोरे रेन भी है, और आपके अंदर यारा है, फ्लो कर रहा है भाई और बहनों कलाम। हालेलुया। आप अपने अंदर झाती मार के देखें, आपको अपने अंदर की दशा पता लग जाएगी और आपको पता लग जाएगा आपके अंदर क्या हो रहा है, कौन क्या चल रहा है आपके अंदर, पता लगेगा आपको कि कलाम क्या कर रहा है आपके जीवन में, क्या ये सच्चा कलाम है, क्या ये यहोवा की हजूरी है यहाँ पे, क्या पवित्र आत्मा काम कर रहा है, आपको इंडिकेशन मिलेंगे। पढ़िए साम 84 वर्स नंबर 6, 84 जबूर, बहुत ज़बरदस्त है। हम गाते हैं
84 जबूर, खुदा वंदा तू लश्करांदा खुदा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। मेरी गल ते कन धर तू याकूब दे रब, ते सुन ली तू आपे मेरी जो दुआ है। खुदा वंदा तू लश्कर, ये जो वर्स है ना साम 84 वर्स नंबर 6, ये कैसे गाई जाती है? ओ तुर देने रोने दे जंगल दे वेचों, ओ तुर देने रोने दे जंगल दे वेचों, ते लैंदे ओ थे भी चश्मा बना है। खुदा वंदा तू लश्करां दा खुदा है। सुनिए साम 84 वर्स नंबर 6, हु पासिंग थ्रू द वैली ऑफ बेका मेक इट अ वेल। बाका की वैली क्या है? विलाप की वैली है। वाका का मतलब होता है लेमेंटेशन, कोई मर जाता है तो जो स्यापा किया जाता है उसकी वैली है ये। लेकिन जब वो यहाँ से गुजरते हैं वो क्या करते हैं, इसे लिखा है द वैली ऑफ बाका मेक इट ए वेल, उसे कुआं बना लेते हैं। द रेन ऑल्सो फिलेथ द पूल्स, और खड्डों को भर देती है पहले छल्ले की बारिश कहते हैं। आपको मालूम पहले छल्ले की बारिश क्या होती है? ताबड़तोड़ बारिश पड़ती है और बुलबुले बनते हैं जमीन पे उसके। बुलबुले जो बनते हैं ना बारिश में, उसे कहा जाता है पहले छल्ले की बारिश। ओ तुर देने रोने दे जंगल दे वेचों, ते लैंदे ने ओ थे भी चश्मा बना है। खुदा वंदा तू लश्करांदा खुदा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। हालेलुया। भाई और बहनों देखिए पाकरू कहाँ कहाँ से मुझे कलाम देता है, कितना अद्भुत तरीके से खुदा का रूह कलाम को पिरोता है मेरे हृदय में, और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। भाई और बहनों मैंने दुनिया घूमी है यीशु मसीह के नाम में, पूरे विश्व में उसकी सेवा की है। ये बहुत अद्भुत है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, इट इज़ सो प्रेशियस। तो इसे ऐसे मत समझिएगा आप, दिस इज़ डीप प्रोफाउंड एंड वेरी वेरी प्रेशियस। ये कलाम मेरी जान है, मेरे हृदय की ज्योति है, मेरी सांसें हैं जो मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। पढ़िए जोएल नबी की किताब 2:23, जोएल 2:23, सुने क्या कहता है खुदा। बी ग्लैड देन ई चिल्ड्रन ऑफ जायोन एंड रिजॉइस इन द लॉर्ड योर गॉड, फॉर ही हैथ गिवन यू द फॉर्मर रेन मॉडरेटली एंड ही विल कॉज टू कम डाउन फॉर यू द रेन, द फॉर्मर रेन एंड द लेटर रेन इन द फर्स्ट मंथ। दोनों रेन इकट्ठी देगा, ये बड़ी अद्भुत प्रोफेसी है। फॉर्मर रेन और लेटर रेन पे किसी समय आपको कलाम दूंगा, बहुत गहरा कलाम है इसके ऊपर। पहली वर्षा और आखिरी वर्षा क्या होती है? पहली वर्षा हुई है पंतेकुस के दिन, आखिरी वर्षा की हम इंतज़ारी कर रहे हैं। पहली वर्षा क्या करती है? जब दाना बोया जाता है ज़मीन में उस दाने को फर्टिलाइज करती है पहली वर्षा। वो दाने का जो अंदर डीएनए होता है वो गल के बाहर निकलता है और ज़मीन में जड़ें छोड़ता है और पौधा बन के बाहर निकलता है। लेकिन आखिरी वर्षा जब आती है उस समय फसल खड़ी होती है लेकिन दाना बारीक होता है, ग्रेन बारीक होता है। तो जब आखिरी वर्षा आती है ग्रेन मोटा हो जाता है, बम्पर हार्वेस्ट होती है। ये बड़ी डीप बातें हैं, फिर किसी समय आपको मैं करूँ बताऊँगा। लेकिन जो 2:23 में अद्भुत भविष्यवाणी है, वो कहता है उसने मॉडरेटली रेन दी है आपको, अभी थोड़ा थोड़ा बारिश पड़ी है लेकिन अब दोनों बारिशें इकट्ठी आने वाली हैं। आपको मालूम बारिशों का कनेक्शन क्या है इसराइल में? रेन का कनेक्शन है हार्वेस्ट के साथ। दो हार्वेस्ट हैं, एक स्प्रिंग की है एक फॉल की है।
हार्वेस्ट के ऊपर, फीस्ट के ऊपर हम और अध्ययन करेंगे कलाम में से। हार्वेस्ट साइकिल क्या है? जमीन फसलों को जो पैदा करती है वो एक स्वर्गीय साइकिल है, यहोवा परमेश्वर ने जो बनाया है। और बारिशों के साथ हार्वेस्ट का कनेक्शन है। कभी भी फसलें बिना बारिश के पैदा नहीं हो सकती। और ये फसलें क्या है? ये आत्मिक कटनी है, रूहानी फसलें काटी जाती हैं। किसके द्वारा? जब नजाल होता है। नजाल का मतलब बहता है पानी। जब मोरे होता है, मोरे का मतलब रेन, बारिश होती है स्वर्ग से, मोरे रेन आती। मोरे का मतलब टीचर भी होता है, मोरे का मतलब बारिश भी होती है। और पानी फ्लो करता है, यारा पानी फ्लो करता है। और यारा पानी का बहना भी है, यारा कलाम का बहना भी है। जैसे पानी बहता है ऐसे कलाम बहना चाहिए। सच्ची जो कलीसिया है वहाँ पे यारा होता है, कलाम बहता है और लोगों के दिलों को सींचता है। आर पार निकल जाएगा कलाम आपके। जब सच्चा कलाम आएगा आपकी आत्मा में विटनेस आएगी कि ये यहोवा का सच्चा कलाम है जो मैं सुन रहा हूँ और ये मेरा जीवन बदल रहा है, ये कलाम मेरे लिए बहुमूल्य है। प्रभु तेरा धन्यवाद जीवन की रोटी के लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद जीवन के जल के अद्भुत चश्मे के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मैंने बताया मखौर और दूसरा वर्ड आयन, खाई मायम जीवन के जल की बरसात होगी। फॉर्मर और लेटर रेन यहोवा देगा ताकि फसल काटी जाए। टोरा कलाम का मतलब है बारिश। फसल तब कटती है जब कलाम की बारिश होती है, यहोवा के सच्चे कलाम की बारिश। अगर यहोवा के कलाम की बारिश नहीं होगी तो अकाल पड़ जाएगा, फैमिन आएगा। जब अकाल आएगा तो मौत आ जाएगी। आपको मालूम बहुत सी कलीसियाओं के अंदर सच्चे कलाम का अकाल है। कलीसियाओं के अंदर प्रोग्राम तो बहुत हैं, पादरी साहबान ने बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम बनाए हैं, लोगों को बिजी किया हुआ है ताकि लोग इधर उधर ना जाएं। वेंसडे को भी सर्विस है, ट्यूसडे को भी है, मंडे को भी है, फ्राइडे को भी है, सैटरडे को भी है। मॉर्निंग की मेंस सर्विसेज भी हैं, आफ्टरनून की विमेन सर्विसेज भी हैं, चिल्ड्रन की भी मिनिस्ट्री रखी हुई है, मैरिटल कपल की काउंसलिंग्स अलग करके रखी हुई है, यूथ की अलग अलग मिनिस्ट्री की रखी हुई है, आउटरीचेस, बड़ा जबरदस्त रोस्टर बनाया। लेकिन जीवन नहीं है, लाइफ नहीं है, मोरे नहीं है, बारिश नहीं है, यारा नहीं है, कलाम की बारिश नहीं है, यारा कलाम बह नहीं रहा है, मयम खाई नहीं है वहां पे। तो लोग जाते हैं धीरे धीरे, लोग बोर हो जाते हैं। आपको मालूम लोग डिस्कंटेंट क्यों होते हैं? लोगों का जीवन रुक क्यों जाता है आत्मिक मरहले में? ग्रोथ क्यों नहीं होती? आत्माएं उद्धार क्यों नहीं पाती? कलीसिया क्यों नहीं बढ़ती हैं? पांच पांच दस दस साल उतना ही नंबर रहता है चर्च का। क्यों? क्योंकि बिजी हैं लोग। मंडे को मिसिज फलाना के घर में, ट्यूसडे को मिस्टर ढिमकाना के घर में। आप बिजी हो, आपके पास रूहों को जीतने का दर्शन नहीं है, आत्माओं को जीतने की पवित्र आत्मा की स्ट्रेटजी नहीं है। कभी कभी जोश आता है, आप जाके स्टॉल बाहर लगा लेते हो, आउटरीच कर लेते हो और उससे आपको तसल्ली हो जाती है साल में एक दो मरतबा करके। भाई और बहनों, जब मोरे हो आएगा, हालेलुया, बारिश की तरह कलाम आएगा, जब यारा फ्लो करेगा, मोरे टीचर यहोवा शिक्षक हमारा पवित्र आत्मा बारिश की तरह बहेगा, हालेलुया। जब नजाल होगा, हालेलुया, जब कलाम की बारिश होगी। तोरा जो है ना कलाम, ये फ्लो करता है, ये कभी भी स्टैग्नेंट नहीं है। आपको मैं प्रतिदिन आगे बढ़ता हूँ प्रभु में। मेरी लाइफ को ऐसा खुदावन ने बनाया, एक्साइटिंग एक्साइटिंग, घंटे घंटे में मैं आनंद लेता हूँ खुदावन का। I must move. Hallelujah. More is a Hebrew word. More means teacher. And more is a Hebrew word that also means rain. It means rain. Former in the letter rain. Joel talks about in chapter 2, verse number 23. He says, Joel 2:23 is a profound prophecy. God is going to give you the former and the latter rain together. Though he has given you rain moderately, but he'll give it you together. And you know the word Torah, the equivalent is H3382 in Hebrew lexicon. The word is Yara, which means to flow. The word of God will flow. The word of God will come like rain. More, and more also means teacher.
टोरा इज यूकल टू रेन, द वर्ड ऑफ गॉड इज अ टोरेंशियल रेन, द वर्ड विल फॉल अपॉन द ग्राउंड ऑफ योर हार्ट, द ग्राउंड ऑफ योर हार्ट इज रियली पार्च्ड एंड इज बिकम वेरी ड्राई. द रेन विल कम एंड विल रिवाइव द लैंड ऑफ योर हार्ट, मेक इट सॉफ्ट एंड टेंडर एंड डोसाइल, एंड देन गॉड विल प्लांट हिज वर्ड एंड यू विल फर्टिलाइज एंड इट विल टर्न इन टू अ ग्रेट गार्डन. टोरा इज यूकल टू फ्लो, हालेलुया, फ्लो. द वर्ड माहोर मीन्स द फाउंटेन ऑफ लिविंग वाटर, हालेलुया. आई हैव गिवन यू ऑल डिफरेंट हिब्रू वर्ड्स. नजाल इज द हिब्रू वर्ड. Deuteronomy 32 verse number 2 says, the word of the Lord will flow, and the word is nazal. The word will flow and the word of the Lord will come like more, rain. And more is also teacher. So Torah, the word of the Lord is flow, is equal to rain, is equal to more. Hallelujah. आपको मालूम rain क्या है? Rain is equal to provision. खुदावंत की बरकतें हैं. बारिश का मतलब बरकत आ रही है. आपके घर के भंडार भर जाएंगे जब बारिश आएगी. यू विल हैव प्लेंटी इन योर होम. कवनेंट कीपिंग लोगों को यहोवा परमेश्वर लेटर और फॉर्मर रेन देता है. रेन का मतलब है द अराइवल ऑफ गॉड्स फेवर. हालेलुया. घुमड़ घुमड़ जब आए काले बदरा तो समझो कि यहोवा की आशीष उतरने वाली है आपके ऊपर. होशे नबी की पुस्तक, होशे नबी की पुस्तक और उसका एक वचन पढ़ें. होशे चैप्टर नंबर 6 एंड वर्स नंबर 3 पढ़िए. होशे नबी की किताब में से 6 अध्याय एंड वर्स नंबर 3. होशे चैप्टर 6 वर्स 3 सुने. देन शैल वी नो इफ वी फॉलो ऑन टू नो द लॉर्ड. His going forth is prepared as the morning, and he shall come unto us as the rain. How will the Lord come upon us? As a rain. Rain is a symbol of God's presence. He will come upon as a rain. And the word come upon ke liye jo word hai, the Hebrew word is nazal. He will flow over us like a rain. Yah will flow over us like a rain. यहोवा बारिश की तरह हमारे ऊपर उतरेगा और यहोवा बहेगा. नजाल का मतलब है बहना. हालेलुया. होशे 6:3 देन शैल वी नो. हम जानेंगे. आपको पता लगेगा अगर आप सच्ची कलीसिया में जाएंगे. अगर सच्चा मसा खुदा का बंदा कलाम सुनाएगा तो होशे कहता आपको पता लगेगा. वी शैल नो इफ वी फॉलो ऑन टू नो द लॉर्ड. हिज गोइंग फोर्थ इज प्रिपेयर्ड एज द मॉर्निंग एंड ही शैल कम अन टू अस एज अ रेन. वो बारिश की तरह आएगा. हिब्रू वर्ड है मोरे नजाल. मोरे का मतलब रेन, बारिश. और मोरे का मतलब होता है टीचर, कलाम को सिखाने वाला. और नजाल का मतलब फ्लो करेगा यहोवा का कलाम. आपके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी. दैट इज व्हाट जीसस सेड ऑन द लास्ट डे ऑफ द ग्रेट फीस्ट ऑफ टैबरनेकल. हालेलुया. आपको मालूम यहां पे कितनी अद्भुत बातें लिखी हैं. होशे 6:3 में यहां पे लिखा है कि बारिश आएगी कहां पे. यहां पे लिखा है नो द लॉर्ड इज गोइंग फोर्थ इज प्रिपेयर्ड एज द मॉर्निंग एंड इट शैल कम अन टू अस एज रेन एंड द लेटर एंड द फॉर्मर रेन अन टू द अर्थ. यहोवा दोनों बारिश बन के आएगा, पहली और आखिरी. और कहाँ आएगा यहोवा? अर्थ लिखा. अर्थ के लिए हिब्रू वर्ड है एरिट्स. लेकिन यहाँ पे अर्थ के लिए एरिट्स वर्ड नहीं लिखा हुआ. मैंने आपको बताया था उत्पत्ति 1:1 में 7 हिब्रू के अक्षर हैं. बेरेशेत 12, एलोहिम एत हशमाइम वा एत हा अरेट्स. हा अरेट्स, अरेट्स का मतलब पृथ्वी. तो यहाँ पे धरती लिखा है, पृथ्वी अर्थ लिखा है. लेकिन यहाँ पे अर्थ के लिए भाई और बहनों हिब्रू लेक्सिकन चेक करें. होशे 6:3 में अर्थ के लिए जो वर्ड होना चाहिए था वो होना चाहिए था एरेट्स. But the prophet did not choose the word erits. The Holy Spirit didn't let him use the word erit. He has used the word, different word, which means dirt.
डर्ट, डर्ट समझते हैं, मिट्टी, मिट्टी के ऊपर उतरेगा। आपको मालूम मिट्टी शब्द क्यों यूज हुआ? जो हिब्रू वर्ड यहाँ पे यूज हुआ वो है आडमा, आडमा। आडमा का मतलब आप जानते क्या है? आडमा का मतलब है मिट्टी। आडमा मिट्टी को लेके उसने एडम को क्रिएट किया। आडमा का मतलब होता है लाल सॉयल, लाल मिट्टी। आदम ने यहोवा को लाल रंग की मिट्टी में से निकाल के बनाया है। आदमा के ऊपर उतरेगा, जिसका मतलब क्या है? आदम की जात के ऊपर उतरेगा। हम आदम की जात हैं, हम डर्ट से बनाए गए हैं, हम सीड ऑफ एडम हैं। हमारे ऊपर बारिश की तरह, पहली और आखिरी बारिश की तरह कलाम उतर के आएगा यहोवा का। नजाल करेगा भाई और बहनों, मोरे करेगा भाई और बहनों, यारा करेगा कलाम भाई और बहनों, मखौर की तरह आएगा कलाम भाई और बहनों। हालेलुया, और हमें भर देगा और हम फ्लरिश करेंगे इन हिज प्रेजेंस लाइक अ ब्रांच दैट इज ग्राफ्टेड इन द वाइन। हम उस दाख लता में लगाए गए हैं जिसका नाम जीसस क्राइस्ट है। हम उस अंगूरों की बेल में लगे हैं, हम टहनियां हैं। हमारे ऊपर पहली आखिरी बारिश भरपूरी से पड़ेगी यहोवा की, और इतना फल लगेगा, बड़े बड़े अंगूर के गुच्छे लगेंगे हमें। आपको मालूम आपका और मेरा फल क्या है? आपकी और मेरी मिरास है आपका और मेरा फल। आपकी मिरास है, आपको फल लगने चाहिए। आज कलीसियाओं में फल के ऊपर कोई कलाम नहीं सिखा रहा है। वरदान वरदान वरदान, अफ्रीका के काले पादरी वरदानों का प्रचार कर रहे हैं और उनके पानी को पी रहे हैं हमारे इंडिया के, नॉर्थ इंडिया के, पूरे इंडिया के पादरी लोग। वो कलाम को नहीं जानते, इस यहोवा के सच्चे कलाम को जो मैं इस समय आपको खोल खोल के बता रहा हूं। आप सुनिए ये कलाम, आपको पता लगेगा नजाल हो रहा है, आपको पता लगेगा यारा हो रहा है, आपको पता लगेगा मोरे हो रहा, बारिश पड़ रही है आपके ऊपर जब ये कलाम आपके पास आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये है भाई और बहनों खुदा का खजाना जो हीरे मोतियों से ज़्यादा कीमती है। क्यों बेकार की थियोलॉजी में अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो? ये चाहिए आपको, बहते जल के झरने चाहिए, मोरे चाहिए जहाँ कलाम फ्लो कर रहा है। टीचर मोरे, बारिश चाहिए खुदा के कलाम की, पहली और अंतिम वर्षा चाहिए, हजूरी चाहिए जो आपको लबालब भर दे, आपके जीवन को लबालब भर दे। ऐसी पाक रूह की हजूरी चाहिए। तो क्या कहता? वो कहता पता लगेगा आपको जब ये कलाम आएगा। व्यवस्था विवरण में से एक वचन देता हूँ, ड्यूटरोनमी चैप्टर 11 वर्स नंबर 14, सुने ध्यान से। ड्यूटरोनमी 11:14, सुने खुदावंत क्या कहता है? दैट आई विल गिव यू द रेन ऑफ योर लैंड इन हिज ड्यू सीजन। सीजन में दूंगा, ऋतु में। सीजन के लिए वर्ड पता कौन सा है? मोआडीम, वही शब्द जो पर्वों के लिए इस्तेमाल हुआ है। यहोवा के पर्व यहोवा के सीजन है। पर्वों के संग बारिश जुड़ी हुई है, यहोवा के फेस्टिवल के साथ फसलों की कटनी जुड़ी हुई है। हार्वेस्ट सीजन फेस्टिवल के संग जुड़ा हुआ है। पंतेकुस को फसल काटी जाती है। दोनों जो सर्कल हैं, साइकिल हैं हार्वेस्ट के, वो यहोवा के पर्व के संग जुड़े। ये बहुत डीप शिक्षा है, बहुत गहरी तालीम है। सुने, प्रभु कहता है मैं मोआडीम में, सीजन में, ऋतु में तुम्हें फसल दूंगा। द फर्स्ट रेन इन द लेटर रेन, पहली और आखिरी वर्षा। दैट दाउ मेस्ट गैदर इन दाई कॉर्न एंड इन दाई वाइन एंड इन दाइन ऑयल। तीन चीजें दे रहा है यहोवा। कॉर्न दे रहा है, ब्रेड रोटी, वाइन दे रहा है। वाइन आप जानते हैं क्या है? नेक सामरी ने यरीहो की सड़क के किनारे जिस इंसान को लूटा और मारा और कूटा करके फेंक गए थे डाकू लोग, वो उसके जख्मों पे वाइन उंडेलता है, फिर ऑयल निकालता है, ऑयल से उसे मसा कर देता है, फिर पट्टी बांधता है। यहाँ देखें क्या लिखा, क्या कहता प्रभु? प्रभु कहता है मैं तुझे कॉर्न दूंगा और तुझे वाइन दूंगा और ऑयल दूंगा। कलाम कहता है द वाइन शैल ग्लैडन योर हार्ट एंड द ऑयल विल अनॉइंट यू एंड यू विल हैव द लिविंग ब्रेड टू ईट। हालेलुया, आई विल गिव यू इफ यू हर्कन माई कमेंड। कब दूंगा? कहता है आई विल गिव यू द रेन इन ड्यू सीजन। यहाँ पे एक वर्ड पूरा नहीं लिखा है, जो पूरे ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर वर्ड है वो है आई विल गिव यू इफ यू लिसन टू माई कमेंड, मेरी आज्ञा को मानेगा। दैट वर्ड इज मिसिंग हियर।
आई विल गिव यू इफ़ यू हर्कर अन टू माई कमैंड, मेरी आज्ञा को मानेगा। और मैंने आपको बताया यहोवा की कमैंड के लिए वर्ड है नजाल, जब उसकी आवाज़ को सुनेगा, उसके कलाम को सुनेगा। कलाम के लिए वर्ड है मोरे, मोरे का मतलब टीचर। टोरा इज यारा, यारा का मतलब फ्लो करना, पानी की तरह बहना। कलाम हमेशा पानी की तरह बहेगा। आपको पता लगेगा जब आप सच्चे कलाम की हजूरी में बैठेंगे, परमेश्वर के मसा दास की सेवकाई के नीचे बैठेंगे, आपको पता लगेगा कि फ्लो हो रहा है, बह रहा है कलाम। आपको पता लगेगा ये यहोवा की ओर से है, आपको पता लगेगा यहोवा की ओर से या इंटरनेट का कलाम है। यू विल नो इट। टोरा इज यारा विच मीन्स टू फ्लो लाइक वाटर। आपको बहते पानी को पीना है भाई और बहनों, कुंडों का पानी मत पीना। बहुत सारे कुंड हैं चर्च के अंदर, सिस्टर्न, डेड पानी है वहाँ पे, मुर्दा पानी है। वो पादरी लोग जक्की को चढ़ा रहे हैं गुल्लर के दरख्त पे, पता नहीं कितने सालों से। कहते हैं जक्की चढ़ गया दरख्त पे, सारे बोलो हालेलुया। जक्की उतर गया दरख्त तो सारे बोलो हालेलुया। आप थोड़ी डिसर्नमेंट रखें, कहाँ टोरा है। टोरा अर्थात कलाम, यारा होना चाहिए, वो फ्लो करना चाहिए। एंड इट शुड बी मोरे, रेन की तरह आना चाहिए, और ये टीचर होना चाहिए। एंड इट शुड नजाल, नजाल उसकी आज्ञा, नजाल, हालेलुया। प्रभु कहता है डू नॉट गो आफ्टर अदर्स, कीप माई कमैंडमेंट, मेरी आज्ञाओं को मान। लव यहुआ, लव योर एलोहिम, बी ओबेदिया, यहोवा का बंधुआ गुलाम बन। लॉ ऑफ यहुआ इज नॉट बर्डनसम, नॉट हैवी योक। यहूशा सेज कम अन टू मी, टेक माई योक, लर्न फ्रॉम मी, मुझसे सीखो। क्या सीखो? टीचिंग, डॉक्ट्रिन, टोरा, लर्न फ्रॉम मी। फिर क्या कहता? आई एम द मोरे, मैं टीचर हूं। यीशु मसीह टीचर है, वो कहता मैं मोरे हूं, आई विल फ्लो लाइक वाटर। मेरी योक अपने ऊपर लो तो तुम आजाद हो जाओगे। आपको मालूम शैतान की योक है लोगों के ऊपर, प्रभु उस योक को तोड़ के अपनी योक देता है। मेरी योक के नीचे आ, वो टीचर है, वो हमारा रब्बी है, वो खुद जीवन के जल का पानी है, नजाल है वो। इंस्ट्रक्शंस को भी नजाल बोलते हैं, मिजबा को भी नजाल, नजाल बोलते हैं, कमेंडमेंट को भी नजाल बोलते हैं, और बहने को नजाल बोलते हैं, हालेलुया। और खुदावंद क्या कहता है? कहता है यू विल फाइंड रेस्ट अंडर माई योक, मेरी योग के नीचे आराम मिलेगा, हालेलुया। यीशु मसीह स्ट्रॉन्ग ऑक्स है। आपको मालूम योग का मतलब क्या होता है? इसराइल में योग होती है, एक बड़ा तगड़ा बैल होता है, उसके साथ जवान बैल को दूसरे तरफ डाल देते हैं। वो जो तगड़ा बैल होता है वो बैल है यीशु मसीह, आपको दूसरी तरफ लगाया गया है। बड़ा बैल आपको सिखाएगा, उसके संग संग कदम मिला के आपने चलना है, वो आपको डिसिप्लिन में लेके आएगा। यंग टेंडर ऑक्स को वो ट्रेन करता है, वीकर वेसल को ट्रेन करता है। जैसे पत्नी एक वीकर वेसल है, उसको पति जो है अपने पंखों के नीचे रखता है, और पति एक याजक की तरह अपनी पत्नी को यहोवा के लिए तैयार करता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्स जीसस क्राइस्ट है, वो आपको डिसिप्लिन करेगा, ट्रेन करेगा, अपने बच्चे को ट्रेन, ट्रेन योर चाइल्ड सो दैट व्हेन ही इज ग्रोन अप ही विल नॉट डिविएट फ्रॉम द पैथ ऑफ द लॉर्ड। अपने बच्चों को यहोवा की शिक्षा दे, ट्रेन कर, मोरे कर, मोरे, तो तेरा बच्चा यारा करेगा, फ्लो करेगा यहोवा की आज्ञा में, हालेलुया। डिसिप्लिन कब तक? जब तक फ्लैश, ये शरीर जो है ये काबू में नहीं आता, तब तक। जब तक सख्त गर्दन काबू में नहीं आती तब तक। ये आपकी गर्दन को तोड़ेगा, वो इसे नरम करेगा, आपके अंदर शरीर की अभिलाषाओं को मारेगा। एनॉइंटिंग ब्रेक द, एनॉइंटिंग शैल ब्रेक द योक। मैंने आपको बताया एनॉइंटिंग के लिए वर्ड है यशाया 10:27 में शिमेन, थिक एनॉइंटिंग ऑयल जो यीशु मसीह को क्रश करने से पैदा हुआ। वो एनॉइंटिंग क्या करेगी भाई और बहनों? शैतान के जुए को तोड़ डालेगी, हालेलुया। क्या कहता है खुदावन?
आई विल गिव यू द रेन ऑफ योर लैंड इन ड्यू सीजन, व्यवस्था विवरण 11:14, और तुझे कॉर्न दूंगा, तुझे वाइन दूंगा और तुझे ऑयल दूंगा। आपको जीवन के जल की रोटी, आपको जीवन की रोटी मिलेगी, आपको वाइन मिलेगी, न्यू वाइन, नई वाइन स्किन में डालेगा वो, और आपको ऑयल मिलेगा। तीनों चीज़ें यहोवा देगा, आपने इन्हें गैदर करना है। अब आप उन पुराने हौदों की तरफ मत जाएं, जर्मिया 2:13 वाले, उन कुंडों से मत पिए, वो कुंड आपको नई जीवन दे सकते। उन कुंडों के अंदर मुर्दा पानी है, डेड वाटर है, फ्लोइंग वाटर नहीं है। खुदावन कहता है बिकम ओबेदिया, यहोवा का बंधुआ गुलाम बन, मेरी सेवा कर, और किसी की सेवा तू नहीं कर सकता, मैं तुझे संतुष्ट करूंगा। बहुत सारे लोग, आपको मालूम क्या हाल है, कभी किसी कुंड का पानी पीते हैं, कभी किस कुंड का पानी पीते हैं। एक जगह जाते हैं, वहां पे PhD के लेवल की टीचिंग लेते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं किंडरगार्टन स्कूल में, वहां की शिक्षा लेते हैं। तो क्या बनेगा भाई और बहनों उनके जीवन का? आप अपने बच्चे को एक स्कूल में पढ़ाते हैं, जगह जगह स्कूल्स में नहीं भेजते, जगह जगह टीचर्स के हवाले नहीं करते। पढ़िए जर्मिया 20 chapter, उसकी 9th verse में क्या लिखा, Jeremiah 20:9, Then I said, I will not make mention of him, nor speak any more in his name, but his word was in my heart as a burning fire, shut up in my bones, and I was weary with forbearing, and I could not stay. क्या कहता है जर्मिया? आपको मालूम जर्मिया ने एक दिन फैसला किया कि ये लोग हिपोक्रेट हैं, इसराइल के पखंडी लोग हैं, ये यहोवा की आज्ञा मानते नहीं, दे डू नॉट वॉक इन द वेज ऑफ द लॉर्ड, दे आर वेरी रिबेलियस जनरेशन, दे आर स्टिफ नेकेड पीपल एंड दे हैव नो फियर ऑफ द लॉर्ड। सो जर्मिया थॉट टू हिमसेल्फ, व्हाई मस्ट आई प्रोफेसाई, व्हाई मस्ट आई कीप ऑन डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, दे डोंट रिवियर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, they have no place for the word of the Lord in their heart, they do not honor Yahweh the true God, so he said I will just keep quiet, I will not speak. So sune yahan pe Jeremiah ka kya experience hai, 20:4 mein Jeremiah, 20:4 mein Jeremiah, 20:9 mein Jeremiah kya kehta hai, Jeremiah kehta hai fire was shut up in my bones, जब मैंने अपना मुंह बंद कर लिया और मैंने कलाम को फ्लो नहीं करने दिया तो मेरे अंदर आग लग गई, रूहा का कुदुश वॉज बर्निंग इनसाइड, द वर्ड ऑफ द लॉर्ड वॉज लाइक फायर। जर्मिया थॉट ही विल स्टॉप मेंशनिंग हिज वर्ड, जर्मिया थॉट वेल यू नो आई डोंट हैव टू प्रीच द वर्ड, आई विल जस्ट टेक लिटिल रेस्ट, मे बी आई विल गो ऑन बिट ऑफ सियेस्टा। God said, you cannot contain it, it will be like fire. It was like fire in the bones. खुदा का कलाम आग की तरह है, खुदा का कलाम जीवन के जल के झरने की तरह है, फाउंटेन की तरह है, हालेलुया। तो भाई और बहनों, खुदा के कलाम से प्यार करें। मैं क्रेजी हूँ खुदा के कलाम का, इसलिए खुदावंद ने अपने कलाम का झरना मेरे अंदर खोला हुआ है, मेरे ऊपर बारिश होती है कलाम की। मोरे मेरा टीचर, होली स्पिरिट, ही इज माई मोरे एंड ही इज माई रेन, एंड देयर इज यारा इन माई हार्ट ऑल द टाइम, देयर इज फ्लो, इट्स फ्लोइंग इवन इन माई स्लीप, द वर्ल्ड इज फ्लोइंग, व्हेन आई एम यू नो गोइंग ऑन द मोटर बाइक, आई एम डूइंग यू नो चोर्स ऑफ लाइफ इन माई होम, आई एम ट्रेवलिंग, वट एवर आई एम डूइंग, देयर इज ऑलवेज मोरे इन माई हार्ट, देयर इज ऑलवेज यारा इन माई हार्ट, कलाम फ्लो कर रहा है और मेरे अंदर चश्मे फूट रहे हैं। मखौर, मखौर का मतलब चश्मे, जीवन के जल के चश्मे। मैं डेड पानी नहीं पीता, मैं हौदों और कुंडों का पानी नहीं पीता, मैं यहोवा के जीवित चश्मों का पानी पीता हूँ। हालेलुया। खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, जो ममता सबरवाल ग्रोवर ने खुदावंद प्रार्थना बिनती भेजी है, खुदावंद उस प्रार्थना बिनती को मैं आपके हजूर में उठाता हूँ। मिस्टर फर्नांडिस को खुदावंद आपके लहू में छिपाता हूँ, आपका आत्मा उसके जीवन में काम करे।
खुदावंद मैं जितने लोग बाद में जुड़े उन्हें आपके हजूर में लाता हूँ। आई प्रे फॉर नैना ढिल्लन दैट यू विल ब्लेस हर, दैट यू विल फ्लड हर हार्ट विद योर लाइट विद योर ग्लोरी। लॉर्ड आई ऑल्सो ऑलरेडी प्रेड फॉर मिस्टर विनोद क्रिश्चन, बट आई अगेन रिमेंबर हिम बिफोर योर थ्रोन ऑफ ग्रेस, हिम एंड हिज वाइफ, ब्लेस देम। अनीता रानी दैट यू वुड ब्लेस लॉर्ड, एंड लॉर्ड आई प्रे फॉर मोनिका सबरवाल दैट यू वुड ब्लेस हर। लॉर्ड ओपन द आईज ऑफ योर पीपल दैट दे मे सी योर वर्ड, योर ट्रू वर्ड दैट फ्लोज लाइक लिविंग फाउंटेन, योर वर्ड दैट कम्स लाइक रेन फ्रॉम हेवन। इट कम्स विद अ पर्पज, इट कम्स विद एन ऑब्जेक्ट, एंड इट ऑलवेज अकॉम्प्लिशेज द ऑब्जेक्ट। लॉर्ड आई प्रे फादर फॉर चंद्र मोहन दैट यू ब्लेस योर सर्वेंट, एंड लॉर्ड आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नेजरेथ फादर फॉर मलकियत गिल दैट यू ब्लेस हिम। आई प्रे फॉर रेखा कौशल दैट यू ब्लेस हर लॉर्ड, दैट यू पुट फोर्थ योर माइटी हैंड अराउंड हर, एंड लॉर्ड आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस फॉर कोमल मसी एंड अ फैमिली दैट यू ब्लेस देम लॉर्ड, हालेलुया। एंड लॉर्ड आई प्रे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस फॉर मंजीत मसी फॉर योर ब्लेसिंग, तेरा धन्यवाद हो। लॉर्ड आई ऑलरेडी प्रेड फॉर कृष्ण कुमार, बट आई स्टिल ब्लेस हिम इन द नेम ऑफ यहोशा हमशिया। खुदावंद इन सब के लिए जो ऑनलाइन है, खुदावंद जो पहले हमने प्रार्थनाएं की उन सबको ग्रहण करना। खुदावंद 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 मोरे कर हमारे दिल की ज़मीन पे बारिश पहली और आखिरी। यारा हो तेरा कलाम फ्लो करे, टोरा एंड यारा। खुदावंद नजाल की तरह बहे तेरा कलाम, मखौर की मानिंद बने हम लिविंग फाउंटेन। तेरे नाम की महिमा हो खुदावंद, अपने कलाम की गहराई में हमें लेता जा खुदावंद। खुदावंद हम सूखा घास खाने वाले नहीं, हरे हरे घास की चराइयों में चरने वाली तेरी भेड़ें बने खुदावंद। एक एक को आशीषित कर खुदावंद, यीशु मसीह के जलाली नाम में आमीन। सबको जय मसीह की। खुदावंद ने मेरे दिल में डाला है कि हर वीक हम अलग अलग जगह पास्टर्स की मीटिंग करेंगे, 60 70 80 पास्टर्स को इकट्ठा करेंगे, 100-200 संगति के लोग इकट्ठा करेंगे। एक या दो दिन की मीटिंग हर वीक में हम किया करेंगे वीकेंड के दौरान, और उनमें हम उस मीटिंगों को खुद अरेंज करेंगे, और यू नो वील फीड पीपल, खाना वगैरह सब व्यवस्था करेंगे। तो खुदावंद अगर आपके दिल में ये बातें डाले तो आप दुआ करना, और इनके लिए आप बीजते रहना कि ये काम हम खुदावंद का करें, हालेलुया। लॉर्ड बोस फर्नांडिस इज़ इन योर हैंड्स, वी प्लीड योर ब्लड ओवर बोस फर्नांडिस। लॉर्ड आई ब्लेस मंगल थापा, मंगल थापा मसीह के लिए प्रार्थना करें। ये नेपाल के भाई हैं, इंडिया में और नेपाल में, इनके द्वारा खुदावंद का काम स्थापित हो। खुदावंद ने तैयार कर रहा है, ही इज़ फास्टिंग एंड प्रेइंग सीकिंग द लॉर्ड कि खुदावंद इसे डायरेक्शन दे और ये सेवा में आए फुल टाइम। तो दुआ करिएगा भाई मंगल थापा के लिए, इसकी दो बेटियां हैं, खुदावंद इनके लिए रास्ते खोले ने मुहैया करे। हम बहुत सारे सेवकों को खड़ा करें, कई देशों में आस पड़ोस के जाके सेवा करें, कलीसियाओं की स्थापना हो। तो इस काम में आप सब लोग पार्टनर बने खुदावंद के, इस काम को सपोर्ट करें, यीशु मसीह की ज्योति फैले, यह सच्चा कलाम फैले खुदावंद का। हम संस्थाएं नहीं बनाएंगे, इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाएंगे। मैं ये मानता हूँ चर्च ऑफ जीसस इज़ नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, चर्च ऑफ जीसस इज़ एन ऑर्गेनिज्म, इट इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यू नो द सिक थिंग दैट द चर्च डिड, दे टर्न्ड द बॉडी ऑफ क्राइस्ट विच इज़ मेड ऑफ लिविंग ऑर्गन्स एंड लिविंग लिम्स, दे चेंज्ड इट इनटू अ डेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड दे वॉन्ट टू रूल and lead this living organism with man-made principles and protocols. It has failed the church. It hasn't worked. We have to understand that the church of Jesus is a living organism. And we have to ask the Lord to give His instructions. Nazal. We have to seek the Lord for His wisdom to come like rain from above. And we have to ask Him to give us wisdom how we lead and how we minister, and that we do not build our own empire. हमें अपनी बादशाही खड़ी नहीं करनी है ज़मीन पे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनानी है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इकट्ठा नहीं करना है। हमें यीशु मसीह का नाम ऊंचा करना है, His name, His shame,
उसकी बादशाही को खड़ा करना है। हालेलुया। सो लेट अस अंडरस्टैंड, यू नो दीज आर वेरी वाइटल डिफरेंसेस। वेन एवर द चर्च वॉज टर्न इंटू डेड ऑर्गेनाइजेशनलिज्म, द लाइफ लेफ्ट, द लाइफ ऑफ जीसस दैट पल्सेट्स थ्रू द लिविंग लिम्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इलोप्स व्हेन द चर्च इज बिकम काइंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वेर देर इज सो मच करप्शन एंड political environment and so much nepotism, and you know it is not ruled by the principles, living principles from the word of God. That is why there is no nazal, the word of God is not flowing. That is why there is no yara, Torah is not there, the light of the word is not there. That is why there is no more, the word of God doesn't come like a rain. That is why there is no mahor, there are no living fountains. Man is ruling the church with man-made principles. Man-made principles. And on Sunday you see flesh on display. You don't see Jesus and His glory and His splendor. That is the sickening thing. And that is very, very tragic. Hallelujah. Khudavand, hum tere liye jiye, tere jalal ke liye jiye, tere naam ke liye jiye, तेरा काम वैसे करें जैसे तू चाहता है। खुदावंद तेरा राज्य स्थापित हो, मनुष्य का नहीं। तेरा नाम, मनुष्य का नाम क्या है खुदावंद? कुछ नहीं है, धूल के समान है मनुष्य का नाम। तेरा नाम ऊंचा हो खुदावंद, तेरे कलाम के खुदावंद जिंदा प्रिंसिपल, मोरे बारिश की तरह आने वाला कलाम, यारा फ्लो करने वाला कलाम, नजाल बहने वाला, कलकल बहने वाला कलाम उतरे खुदावन, वो हमारे जीवन को डायरेक्शन दे। हम तेरी स्तुति करते हैं खुदावन यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। सबको जय यीशु मसीह की। खुदावन आपको बरकत दे। कल मॉर्निंग में आपसे भेंट होगी। जय मसीह की।